हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी टैब A9 प्लस की। इस टैब को मैंने अमेजोन इंडिया से खरीदा है। प्राइस शुरू होती है 18,999 रुपए से। ये 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आने वाला वाईफाई वेरिएंट है और इसकी अमेजोन पर प्राइस है 20,999। SBI क्रेडिट कार्ड यूज करने पर 4,500 का इस पर डिस्काउंट मिल गया था। तो फाइनल प्राइस जो मैंने इस टैब के लिए दी है वो है 16,499 रुपए। अगर आप इस टैब में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी अमेजोन लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है अमेजोन की पैकेजिंग। अमेजोन ने कुछ ज्यादा ही बड़ी पैकेजिंग दे दी है टैबलेट के हिसाब से। ये रहा सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 प्लस का बॉक्स। काफी पतला सा बॉक्स है, तो मतलब इस टैब के साथ चार्जर मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बॉक्स पर गैलेक्सी टैब लिखा है, टैबलेट की एक तस्वीर है और नीचे एग्जैक्ट मॉडल का नाम आपको मिल जाएगा। ऊपर की तरफ सैमसंग की ब्रांडिंग है, पीछे बॉक्स कंटेंट्स की जानकारी है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे ही, और राइट साइड में आपको इसके मॉडल, कैपेसिटी और कलर की जानकारी मिल जाती है। तो अब बॉक्स को खोलकर टैबलेट को बाहर निकाल लेते हैं। ये रहा सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 प्लस। इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। टैबलेट के साथ आपको USB टाइप सी केबल मिल जाती है, एक क्विक स्टार्ट गाइड और एक इजेक्टर पिन भी आपको इसके साथ मिल जाती है। इस टैबलेट के साथ मैंने प्रो इलाइट कंपनी का स्क्रीन गार्ड और एक फ्लिप कवर भी लिया है और पोर्ट्रॉनिक्स कंपनी का एक कीबोर्ड भी मैंने इसी के साथ लिया है। तो चलिए पहले स्क्रीन गार्ड को इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक्सेसरीज में इंटरेस्टेड है तो इनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ आपको इसमें 11 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले मिल जाता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। लॉन्ग एज पर आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। राइट साइड में आपको पावर बटन, वॉल्यूम के बटन और एक माइक्रोफोन मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको 3-पिन कनेक्टर और 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं एक्सेसरीज अटैच करने के लिए। लेफ्ट साइड की ही बॉटम में आपको एक SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। इस स्लॉट की मदद से आप इस टैबलेट की इंटरनल स्टोरेज को 1 TB तक एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका सिम स्लॉट ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसका 5G वर्जन ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें एक सिम कार्ड डालने की जगह भी मिल जाएगी। ऊपर की तरफ 2 स्पीकर ग्रिल्स है और नीचे की तरफ 2 और स्पीकर ग्रिल्स के साथ टाइप सी पोर्ट, एक माइक्रोफोन और कॉर्नर में आपको 3.5mm का एक हेडफोन जैक भी मिल जाता है। पीछे की तरफ काफी क्लीन डिजाइन है और यहाँ पर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। इंटरनल्स की अगर हम बात करें तो इस टैबलेट में आपको स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर मिल जाता है, 8GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ। 7040mAh की बड़ी सी बैटरी भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इसका गीक बेंच में सिंगल कोर स्कोर आता है 862 और मल्टी कोर स्कोर है 1877। GPU का स्कोर है 1399। ये नंबर्स बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव तो नहीं है, लेकिन अगर इस प्राइस में मिलने वाले बाकी टैबलेट से आप इसे कंपेयर करें तो सभी टैबलेट्स में हीलियो का G99 प्रोसेसर आता है और ये उससे बेहतर ही है। नॉर्मल यूजेज जैसे कि वेब ब्राउजिंग, जनरल UI सर्फिंग और वीडियोस और मूवीज देखने में आपको इस टैबलेट में कोई लैग नजर नहीं आएगा। लाइटवेट गेमिंग को भी ये टैबलेट आराम से हैंडल कर सकता है। इसमें अल्ट्रा HD सेटिंग्स पर गेम खेलने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन रिकमेंडेड सेटिंग्स पर अगर आप गेम खेले तो कोई लैग इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल इस टैबलेट का परफॉर्मेंस मुझे प्राइस के हिसाब से ठीक लगा। इस टैबलेट का डिस्प्ले भी मुझे काफी पसंद आया। इसमें आपको 11 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और इसके कारण ये टैबलेट काफी स्मूथ फील होता है। कलर्स भी काफी बढ़िया दिखाई देते हैं, जिसके कारण व्यूइंग एक्सपीरियंस इनहेंस हो जाता है। व्यूइंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा इनहेंस करने में मदद करते हैं इसमें दिए गए क्वाड स्पीकर्स। दोनों साइड्स पर आपको 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं जो बेहतरीन सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देते हैं, और ये स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं, तो इनमें से आने वाली आवाज काफी क्लियर भी होती है और काफी लाउड भी। यूट्यूब पर एक वीडियो चलाकर हम इसके डिस्प्ले और स्पीकर्स का एक डेमो देख लेते हैं।
अब इस टैबलेट के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब दे देते हैं। वो सवाल ये है कि क्या इस टैबलेट में एस पेन का सपोर्ट मिलता है या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टैबलेट में आपको एस पेन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये चेक करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और एडवांस फीचर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जो सैमसंग टैबलेट एस पेन को सपोर्ट करता है उसमें आपको यहाँ पर एस पेन सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सैमसंग ए सीरीज का टैबलेट है और ए सीरीज के किसी भी टैबलेट में अभी तक एस पेन सपोर्ट नहीं मिला है। एस पेन सिर्फ एस सीरीज के टैबलेट्स का फीचर है। इस टैबलेट में आप कोई भी नॉर्मल पैसिव स्टाइलस को यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा प्रिसीजन की उम्मीद मत कीजिएगा। एस पेन भले ही इसमें सपोर्टेड ना हो, लेकिन सैमसंग के बाकी सभी टैबलेट वाले फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। मल्टीटास्किंग के फीचर्स जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन, फुल डेस्कटॉप स्टाइल वेब ब्राउजिंग और सैमसंग डेक्स मोड, जिसकी मदद से इस टैबलेट का लेआउट किसी विंडोज लैपटॉप की तरह बन जाता है। कीबोर्ड और माउस अटैच करें तो डेक्स मोड की मदद से आप इसे किसी लैपटॉप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरास की अगर हम बात करें तो पीछे 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है ऑटो फोकस के साथ, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करने के लिए सफिशिएंट है। और सामने की तरफ आपको फिक्स फोकस 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए काफी है। टैबलेट्स में दिए हुए कैमरा ज्यादातर इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो इस टैबलेट में होने चाहिए थे लेकिन मुझे मिसिंग लगे। पहले तो ये कि इसमें कोई फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह आपको नहीं मिलता है, ना डिस्प्ले के अंदर और ना ही साइड बटन में। दूसरा ये कि इस टैबलेट में 7040mAh की बड़ी बैटरी तो है, तो इसमें फास्ट चार्जिंग का फीचर भी होना चाहिए था, लेकिन ये टैबलेट मैक्सिमम 15 वॉट की स्पीड से चार्ज होता है, तो इसे फुल्ली चार्ज करने में आपको 4 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाएगा। रिवर्स चार्जिंग का भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इस टैबलेट से आप अपने दूसरे डिवाइसेस को चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो सवाल यही रह जाता है कि क्या आपको इस टैबलेट को खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आप एक ऐसा टैबलेट ढूंढ रहे हैं जो बढ़िया ब्राउजिंग एक्सपीरियंस दे, जिस पर आप वीडियोस और लेक्चर्स देख सके, बुक्स पढ़ सके, फ्री टाइम में थोड़ी बहुत गेमिंग कर ले, आसानी से आपके साथ कैरी कर सके, जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो और ज्यादा महंगा भी ना हो, तो ये टैबलेट आप ही के लिए बना है। ओवरऑल ये काफी बढ़िया टैबलेट सैमसंग ने बनाया है और मुझे लगता है कि ये इस प्राइस सेगमेंट में बहुत जल्द काफी पॉपुलर भी हो जाएगा। तो ये थी अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू सैमसंग के गैलेक्सी टैब A9 प्लस का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।